LLB करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके लॉयर बने, एडवोकेट बने और अपना नाम रोशन करे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाओगे, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाओगे और अपना सपना पूरा कर पाओगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगा कि किस तरीके से आप LLB की पढ़ाई कर सकते हैं। तो सारी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना होगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। LLB जिसे सामान्य भाषा में बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं, और अगर किसी भी स्टूडेंट को लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना है, कहने का मतलब है कि उनको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है या फिर आगे जाकर जज बनना है, तो उनको LLB का कोर्स करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अब बात यह है कि LLB का कोर्स कौन कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपको LLB करना है तो आपको क्लास 10th पास करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्लास 12th पास करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले क्लास 10th पास करने के बाद, कहने का मतलब है कि जब वो क्लास 11th में एडमिशन लेंगे तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या आर्ट्स लेना चाहिए, क्या कॉमर्स लेना चाहिए, क्या साइंस लेना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो, यानी कि आप LLB करना चाहते हो, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आप LLB की पढ़ाई करोगे इसमें आर्ट्स के ही सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि अगर आपने आर्ट्स नहीं लिया तो आप LLB नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन जो स्टूडेंट पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनको LLB ही करनी है, वो क्लास 10th के बाद आर्ट्स लेते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मान लेते हैं कि आपने क्लास 12 पास कर लिया, अब आगे क्या? तो देखो, क्लास 12 पास करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, यानी कि अपनी स्नातक की पढ़ाई कर लो, या फिर आप क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स कर लो। मैं आपको इसको और अच्छे समझाता हूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्लास 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन करने का मतलब कि अगर उन्होंने आर्ट्स लिया था क्लास 12th तो वो BA कर लेते हैं, या फिर अगर आपकी कोई और स्ट्रीम थी तो दोस्तों आप BSc कर सकते हो, BCom कर सकते हो। कहने का मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर आप LLB का कोर्स कर लो। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्लास 12 पास करने के बाद BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि देखो, अगर आप क्लास 12 के बाद BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो दोस्तों ये टोटल जो कोर्स होगा इसका ड्यूरेशन होगा 5 साल, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद LLB का कोर्स करते हो, तो ग्रेजुएशन में आपके 3 साल लगेंगे, और ग्रेजुएशन के बाद जो LLB करोगे उसमें आपके 3 साल लगेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसे हो जाते हैं 6 साल। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो उसमें आपका 5 साल लगता है, और आप अलग अलग करते हो, एक बार ग्रेजुएशन करके फिर LLB करते हो तो दोस्तों 1 साल आपका एक्स्ट्रा लगता है। कहने का मतलब है कि आपका 6 साल लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट दोनों तरीके से करते हैं। अगर आपको पहले से ही डिसाइड है कि नहीं भाई मुझे तो लॉ के फील्ड में ही जाना है, तो वैसे स्टूडेंट ज़्यादातर BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जो कि 5 साल का होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेटर है, आप कौन सा कर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, तो देखो मैं आपको वो भी बताता हूँ, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखो, अगर आप क्लास 12 के बाद BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो दोस्तों आपको इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं CLAT, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज में तो वो दोस्तों बहुत अच्छा कॉलेज होगा, यानी कि देश भर की 22 यूनिवर्सिटीज़, 22 इंस्टीट्यूट जो है CLAT के अंतर्गत आते हैं, सभी के सभी टॉप है। अगर आप CLAT के थ्रू एडमिशन लेते हो तो दोस्तों आपका बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों CLAT का एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, सभी स्टूडेंट CLAT का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते। बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज के बारे में। देखो गाइस, अगर आप 12 के बाद CLAT के थ्रू जाते हो तो CLAT में आपकी मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का इसमें छूट है, यानी कि 45% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने ही चाहिए। और अगर आप किसी डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाते हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो उनमें क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, किसी में 50% होता है तो किसी में थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है, और किसी में तो होता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
देखो LLB का जो कोर्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन की बात करोगे तो आपका 3 साल का, और इंटीग्रेटेड करोगे तो BA LLB टोटल 5 साल का होता है। BA LLB होता है, BCom LLB होता है, BBA LLB होता है, BSc LLB होता है, सभी तरह का होता है, ये सब 5 साल का होता है। अब बात कर लेते हम लोग फीस की कि कितनी फीस होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये जिज्ञासा होती है फीस जानने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो गाइस, अगर आप BA LLB का कोर्स करते हो या फिर LLB का कोर्स करते हो, तो जो आपकी 1 साल की फीस होगी, ये दोस्तों होगी 60 से 70 हज़ार रुपये होगी 1 साल की फीस। ये देखो मैं ये एक एवरेज बता रहा हूँ, फीस कम भी हो सकती है, फीस थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जिनकी फीस 25 से 30 हज़ार ही होती है 1 साल के, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस 1 से 1.5 लाख की होती है। तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, किसी में कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि कॉलेज कहाँ पर है, कॉलेज कितना बड़ा है, कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है फीस के ऊपर। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से LLB का कोर्स करो, तो दोस्तों एडमिशन लेने से पहले आप एक बार उस इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर से पता कर ले कि वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है। नहीं तो पता चले कि आप कम फीस के चक्कर में एडमिशन तो ले लेते हो, आप 3 साल पढ़ाई भी करते हो, 5 साल पढ़ाई भी करते हो, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगी, जो आपको डिग्री मिलेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से पता कर ले, उसके बाद ही आप कहीं पर भी एडमिशन लें। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लैट एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि क्लैट एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो टफ होगा ही, और ये भी बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आप क्लैट के थ्रू आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होता है, तो वो कॉलेज बहुत अच्छा होगा, और अगर आपकी क्लैट में अच्छी रैंक आती है, तो दोस्तों आपको इंडिया के टॉप कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो देखो, जो क्लैट का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिसंबर जनवरी के महीने में आ जाती है। मैंने कुछ दिन पहले ही क्लैट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सब कुछ उसमें बताया क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, सब कुछ A to Z उसके बारे में बताया है। और दोस्तों, आप क्लैट के थ्रू चाहते हो एडमिशन लेना, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स के लिंक दिए हैं, जहाँ से आप जाकर उस बुक्स को देख सकते हो, आप खरीदो या मत खरीदो, आप देख लोगे, हो सकता है कि आपके पास ही वो, आप उसका प्राइस देख लोगे, तो अगर आप इस अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से तैयारी करोगे, तो दोस्तों आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लैट प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि दोस्तों कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देते हो, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलते हैं कि क्या लेवल का एग्जाम आता है, कितना टफ आता है, कितना ईजी आता है, आपसे हो पाता है कि नहीं होता। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आपके पास क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि LLB करने के बाद आप एडवोकेट कैसे बनेंगे, लॉयर कैसे बनेंगे, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो दोस्तों वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि LLB करने के लिए क्या करना होता है, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, कितनी फीस होती है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम, अपने गांव का नाम जरूर से लिखिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।